इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि बकरी पालन ना आप इजली कर सकते हो। इजली मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप ना कम लो कॉस्टिंग पे बकरी पालन कर सकते हो दोस्तों, और अच्छी तरह से कर सकते हो, उसमें कोई नो डाउट दोस्तों। और ये ना ये बकरियाँ जो होती है आप इसको चराने के पर्पज़ से भी पाला जा सकता है, उसके साथ में आप इसको बांध के भी रख सकते हो, वो खिला के भी पाल सकते हो। एक्चुअली दोस्तों अभी जल्दी में हमने शुरू करवाया है, और जल्दी में आपको बताना चाहूँगा कि भाई जैसे अभी हमारी एकदम न्यू शुरुआत हुई है, शुरुआत में होता क्या है कि इंसान के पास वो सारे सिस्टम वो सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, तो इंसान धीरे धीरे करके सारी चीज़ सीखता है और करता है। अभी हमने दोस्तों बकरी पालन में जैसे अपने यहाँ पर हमारी जो बकरियाँ हैं उनको मैं सुबह के टाइम पे मॉर्निंग में बकरियों को जो है हरा चारा हम लोग नहीं देते हैं, हरा चारा या पत्ते जो भी होते हैं इसको हम लोग शाम के टाइम में देते हैं, यानी दोपहर में देते हैं। और मॉर्निंग में दोस्तों इनको ना फीड के साथ में प्लस भूसा जो होता है, भूसा होता है वो भूसा किसी का भी हो, जो भी फसलें हमारे यहाँ पे होती हैं, चाहे वो आपका गेहूं का भूसा हो गया या लाही का भूसा हो गया या अपने जो दाल वाली फसलें हैं उनका भूसा हो गया, तो भूसे के साथ में हम लोग कन को ऐड करके और खिलाते हैं अपने पशुओं को। तो इसमें ना इससे होता क्या है कि जो हमारा पशु होता है दोस्तों उन भूसों को बहुत अच्छे से चाव से खाता है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप ब्रायलर मुर्गा पालन करोगे, ब्रायलर मुर्गे पालन में दोस्तों आपको बता दूँ कि कोई ऐसी फीड नहीं होती है जिसको आप कहीं बिना पैसे के खरीद पाओगे। पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो बकरी का फीड होता है दोस्तों, बकरी का फीड आप लोग इजीली कहीं से भी खरीद सकते हो और कम कॉस्ट पे खरीद सकते हो, या अगर आपके पास बंदे हैं तो बंदों से आप इस तरह का कुछ नहीं है दोस्तों। ये पत्ते जो होते हैं दोस्तों, मैं आपको इसका FCR बता दूं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, समझने की बात है। इस पत्ते से आपका जो बकरा होगा, अगर वो बकरा अच्छी ब्रीड का है, अच्छी क्वालिटी का है और उसको कोई डिजीज नहीं लगी हुई है, तो वो बकरा इस पत्ते को खा करके 30 केजी पत्ते खाएगा तो उसका 1 केजी बॉडी वेट आ जाएगा। अगर आप टोटली फीडिंग यानी दाने पे अगर रखते हो तो आपका 4.5 से 5 केजी अगर फीड खाएगा कोई भी बकरा तो 1 केजी बॉडी वेट देगा। ये इसका FCR होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुर्गे में ही FCR है, FCR इनका भी होता है। अभी ना यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये बड़हर का पत्ता है, कटहल का पत्ता हो गया, बड़हर का पत्ता हो गया, अपना जो ये होता है गूलर हो गया, इस तरह से पीपल हो गया, इस तरह से जो भी पौधे मिल जाएं उसका पत्ता आप खिलाओगे। आप देख सकते हो कि सारी की सारी बकरियां बहुत ही चाव से खा रही हैं, इनको काफ़ी अच्छा लगता है पत्ते खाना, बकरियों का स्वभाव होता है और स्वभाव के कारण से बकरियां बहुत अच्छे से इसको खाती हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि सुबह में मॉर्निंग के टाइम पे आपको कुछ इंट्रेक्शन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें हो जाता है आपका जैसे कि भाई आप जो शुरुआत करते हो यानी मॉर्निंग में, तो जो ठंडी का सीज़न होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं ठंडी के मौसम में अगर आपकी बकरी ज़रा सा भी छीक छाक कर रही है, बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं बताना चाह रहा था, तो वो बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं अजय भाई क्या आप पहले ब्रायलर फार्मिंग करते थे, अभी आप ब्रायलर फार्मिंग बंद करके बकरी पालन शुरू कर दिए हैं, तो किसान कंफ्यूज हो रहा है कि आप बकरी पालन करेंगे कि मुर्गी पालन करेंगे। तो मैं उनको अपने उन किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मैंने किसी भी काम को बंद नहीं किया है, अभी मेरा ब्रायलर फार्मिंग भी चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। हाँ, वो बात अलग की है दोस्तों कि यहाँ पे हमने जो है
इस साइड में अभी हमारा जो है बकरे का कोई शेड नहीं बना है, तो इसके लिए मैं अपने इस वाले फार्म को, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ दोस्तों, ये हमारा, अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये हमारा आरएस सिस्टम जब बना तो इसको अपन ने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा शुरुआती लकड़े का फार्म था उसको हमने क्या किया, तोड़ा है, और तोड़ने के बाद में यहाँ पे हमने आरएस सिस्टम लगाया, फिर इस साइड का जो भी स्पेस बचा है उसमें हमने फार्मिंग शुरू कर दी है, गोट फार्मिंग। अभी एक्चुअली हमारे पास कोई स्पेस नहीं है और ना ही कोई मैंने स्पेशल बकरियों के लिए एक कोई भी घर नहीं बनाया है, कोई भी शेड नहीं बनाया है, तो इसके लिए मैं अभी यहाँ पे हमारा जो हमारे लकड़े वाले फार्म के पीछे वाला फार्म था उसमें अभी हम लोग बकरे रख रहे हैं, इसलिए मैं इसमें चूजा नहीं डाल रहा हूँ, बाकी ऐसा नहीं है। और जो मेरे दूर फार्म है तो वहाँ पर मैं जा नहीं पाता हूँ, और जाता भी हूँ तो अभी थोड़ा वीडियो बनाने का लोड मेरा कम हो गया है, और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आप लोगों को ऐसे वीडियो दें जो दवाओं से रिलेटेड हो या और सारी चीज़ों से, तो इसलिए दोस्तों मैं इसमें अभी अपने इस वाले फार्म में चूजे नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है और काम चालू है, तो जैसे ही यहाँ पे बकरों के लिए शेड बन जाएगा हम इस वाले फार्म में भी ब्रायलर डाल देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें ब्रायलर डालना शुरू कर देंगे, तो आपको हर दिन ब्रायलर के बारे में कुछ ना कुछ बताता रहूँगा मैं। बाकी मेरा जो मेन फोकस था दोस्तों कि बकरी पालना एकदम इजी है, इसकी कुछ चीज़ें हैं जैसे बकरियों को सर्दी कब लगती है, कौन सा टीका लगता है, MFD हो गया, बहुत सारे टीके हैं, 2 नहीं 3 टीके लगते हैं, वो टीके का समय जान लीजिए कि किस तारीख से कौन से मौसम में कब से कब तक टीके लगवा देना चाहिए। उसके बाद में बकरी पालन करना है तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कब खरीदना चाहिए, कितने वेट का खरीदना चाहिए, कब बकरियों को गाभिन कराना चाहिए, कृत्रिम गर्भधान होता है तो कैसे होता है, कृत्रिम गर्भधान के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं यानी जो कृत्रिम गर्भधान करते हैं वो कितना पैसा लेते हैं, पेमेंट उनका क्या है, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा दोस्तों, और इसकी क्या योजना है उसके ऊपर भी बातें होंगी आगे आने वाले समय में दोस्तों। मैं आपको कई सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा, बस आप लोगों को हमारा वीडियो बकरी पालन का पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके ऊपर ज़रूर कमेंट करिएगा, जिसको नहीं आ रहा है वो सच में बोल देना कि भाई नहीं आ रहा है, जिसको पसंद आ रहा है तो वो बताएगा कि हाँ मुझे पसंद आता है। बाकी आप लोग को जानकारियाँ मिलते रहेंगी, बहुत ही जल्द यहाँ पर भी ब्रायलर फार्मिंग करने वाला हूँ, और दोस्तों कई काम रहते हैं अपने पास तो इसलिए थोड़ा समय कम मिलता है, जिसकी वजह से मैं वीडियो थोड़ा कम बना पाता हूँ ब्रायलर के ऊपर, जाते हैं तो वहाँ 10 मिनट में 15 मिनट में फिर वापस आना होता है, तो इसलिए टाइम ना मिलने की वजह से मैं वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है जस्ट बगल में ही मेरी ऑफिस है, तो जब भी आता हूँ 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे यहाँ बैठता हूँ, तो यहाँ से क्या होता क्या है कि उठ करके जो सामने है उसका वीडियो बना लिए। बाकी ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने कोई काम बंद नहीं किया और ना मैं कोई काम बंद करूँगा, क्योंकि मैंने एक बार बहुत पहले एक वीडियो में बोला था कि आप ना खनखजूरा बनने की कोशिश करिए। खनखजूरा बनने का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपके पास जितना ज़्यादा बिजनेस होगा आप उतने ज़्यादा पैसे वाले होंगे, ठीक है। तो अगर कोई मान लीजिए एक बिजनेस बंद भी हो जाता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपका बिजनेस कंटिन्यूसली चलना चाहिए और आप आगे बढ़ते रहो, यही मेरी तमन्ना होती है दोस्तों। हमेशा मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी दर्शक होते हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर भाई हैं, वो लोग हमेशा सक्सेसफुल बने और बिजनेस को अच्छे से करें। धन्यवाद।